सारे लोग उठ चुके थे तो लेट हो गया। कभी तेरे बच्चे का बर्थडे होता है, कभी तेरा बच्चा बीमार पड़ जाता है, कभी किसी चीज के लिए कमी करी, लेट आई है, इतनी सब लोग उठे हुए हैं, भूखे हैं सारे। क्या मैं फिर मैं भेज रही हूँ इसको वापस, और कोई देख लेंगे। चल शांति मत निकल, नहीं नहीं शांति चल, बहुत हो गया तेरा। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। तो गाइस सुबह के 9 बज चुके हैं और हम सारे आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि संडे है। आज हमने सोचा कि कुछ ना कुछ बाहर जाके एंजॉय करेंगे। सुबह से कर रहे हैं हम शांति का वेट, 9 बज चुके हैं। शांति आ जाती है 9 बजे तक, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो हम लोगों ने सोचा है मिलके कि शांति की आज हम छुट्टी कर देते हैं परमानेंट। क्या कहती गोलू? सही बोल रही है, बहुत ड्रामे हो गए इसके, कभी आती है कभी नहीं आती। अभी 2 दिन पहले भी छुट्टी ली थी इसने। हाँ, और बीच में 6 बजे चली जाती है, 5 बजे चली जाती है, बोलती है घर में फंक्शन है, बेटे का बर्थडे है ये, और हम किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। पता है क्या है, शांति का जो आने का टाइम है ना सुबह 9 बजे, और हम लोगों को उठने का टाइम लेट है, तो जैसे हम उठते हैं उसके 2 से 5 घंटे बाद तो शांति चली जाती है। और ऐसा होता है मोस्टली कि रात का जो काम होता है ना वो मैं और पायल खुद ही करती हैं। तो क्या अभी फायदा? क्या है वो लेट है, हम करने वाले हैं प्रैंक शुरू उसके साथ, बहुत मेहनत है शांति है, तो ऐसे बकवास कर रही है दोनों। वो 9 बजे आ जाती है सुबह, आज लेट है, तो ये थोड़ा सा उसको हम चमकाएंगे। बस रिक्वेस्ट ये है कि चीकू की एक्टिंग खराब ना हो भाई, एक्टिंग खराब मत, कल वाली बहुत बकवास थी। पापा मैं नहीं कर रहा फिर। क्यों? 10 कमेंट आए थे, बहुत ज्यादा, मैं नहीं कर रहा। कह रहा मेरे लिए 10 कमेंट आए थे, लेकिन प्रैंक छूट नहीं। देखो चीकू ना कमेंट पढ़ता नहीं है, बट जब हम कमेंट पढ़ते हैं ना तो उसका पूरा जो कान होते हैं ना उससे कमेंट की तरफ होते हैं। तो चीकू ने आज 10-15 कमेंट पढ़े, थोड़ा सा बच्चा डिमोटिवेट हो गया। तो ऐसे मत करो, छोटा सा बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, जैसे भी करता है ना चीकू। एंटरटेनमेंट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, सबको बता दो, प्रैंक कोई भी हो वो एक तरह से 70% लोगों को पता ही होता है कि ये प्रैंक शूट का। और एक बात और बोलूंगी, जितनी चीकू की उम्र है ना उस उम्र में ना हमें तो एक लाइन भी बोलने नहीं आती थी, फिर भी बच्चा डायलॉग बोल देता है, तो बहुत बड़ा अप्रिशिएट का वर्क है। तो मैं काम करता हूँ, बस थोड़ी देर में वो पहुंचने वाली होगी, तो हम कैमरे वैमरे लगा देते हैं, जैसे हमारी कुंडी खड़केगी हम ऑन करते हैं। पहले काम करो, सबसे पहले कुंडी लगाओ, लगा दे क्योंकि देखो उसको ये लगेगा ना सो रहे, पहले कुंडी लगाओ। ठीक है, अब पहले कैमरे प्लेस कर दो, फिर दो ही जगह होंगी, एक तो यहाँ कर दे, यहाँ से हिलने मत दियो इसको, यही खड़े रखूंगी। तो गाइस ये वाला कैमरा जो है उसको मैं यहाँ छुपा रही हूँ, ये वाला कैमरा मुझे यहाँ छुपाना है, पर मैं इसको हाइड कैसे करूँ, ये तो ऐसे तो दिखेगा उसे कैमरा लगा। चीकू का नहीं नहीं चीकू का टी शर्ट ऐसे नोटिस थोड़ी करेगी वो, ये तुमने कैमरा रखा बस रख दे, और कुछ ये रख दे, ये रख दे, वही मैंने यही सोचा इसके आगे पीछे, इसको यही लगेगा कि हमारे घर में तो जगह जगह कैमरे होते हैं। हाँ, ये वैसे भी ये भी है, कैमरे तो पड़े रहते हैं घर में, इतना दिमाग नहीं है उसका। ठीक है फिर यही सुखाते हैं। मुझे लगता है शांति आ गई है, गेट खड़कने की आवाज आ गई है, मैं जाके खोल रही हूं। गोलू 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 आगे आगे गोलू आगे, चीकू बिल्कुल नहीं हंसना, सीरियस रहना गोलू तेरे को भी, और खोलते यहाँ बैठ जाओ इधर आके, मैं अपने आप देख लूंगी। नमस्ते, कहाँ जा रही है? क्या अपने का दीदी नाश्ते में? टाइम क्या हो रहा है, पहले टाइम देखियो। टाइम तो पता नहीं दीदी, 9:30 हो रहे हैं, सारे लोग उठ चुके थे तो लेट हो गया। ट्रैफिक तो रोज ही होता है शांति, तेरे रोज ही बहाने होते हैं, यहाँ सारे उठ चुके हैं, हमने सोचा संडे है जल्दी उठ के जल्दी नाश्ता करके निकल जाएंगे बाहर कहीं घूमने। आज दीदी लेट हो गए, रोज तो जल्दी आ जाते। रोज कहाँ जल्दी आती है तू, हम तो सोए रहते हैं, हमें थोड़ी पता तू कितने बजे आती है कितने बजे जाती है। कभी तेरे बच्चे का बर्थडे होता है, कभी तेरा बच्चा बीमार पड़ जाता है, अभी 2 दिन पहले भी तो 5 बजे गई थी ना। रात का खाना मैंने पायल ने बनाया, चल कोई बात नहीं, उससे पहले भी मैंने पायल ने बनाया, हम पूरा दिन ब्लॉग बनाए, वीडियो बनाए, उसके बाद खाना भी अलग बनाए। शांति तुझे रखा क्यों है, काम के लिए रखा है ना, चल बंदा एक बार करता है 2 बार करता है, तेरे तो रोज के नाटक है यार। रोज तो दीदी जल्दी आ जाते, आज ही लेट हो गई। आज कहाँ लेट हुई है शांति, रोज तो हम 11-11 बजे उठते हैं, तेरा 9 बजे का टाइम, हम तो टाइम देखते नहीं, तू कब आती, कब जब भी तू आती है हम देखते हैं, यहाँ पे सोई होती है क्योंकि हम भी सारे सो रहे होते हैं, तुझे कभी इतना बोलते नहीं है कि ये काम कर ले वो काम कर ले, पर तुझे देखना चाहिए ना कि अगर भाभी अगर कुछ बोलती नहीं है तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा करूँ, सब कुछ करूँ। और सबसे बड़ी बात है हमारे घर में दोपहर का खाना और सुबह का खाना एक ही टाइम पे होता है और रात को होता है, दिन में 2 बार खाना बनाना होता है, उसके अंदर भी तेरे नाटक अलग है कि ये नहीं है वो। दीदी सॉरी आगे से नहीं लेट। नहीं, नहीं एक काम कर गोलू, इसका हिसाब कर। शांति तेरा कितना बनता है? प्लीज दीदी हिसाब मत करो, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। कहीं और मिल जाएगी, नौकरी की कमी थोड़ी है, हमें भी कोई और मिल जाएगी। सुन हिसाब क्या करना, हिसाब तो इसका हो रखा है, हमने बिल्कुल एडवांस एडवांस दे रखा है। हां मेरे को याद है, 2000 रुपए एडवांस दे रखा है,
शांति बहुत है, हम फैमिली की तरह रखते हैं हम सबको। तेरे को पता है जितने भी लोग रह के जाते हैं ना हमारे, हम बिल्कुल फैमिली की तरह रखते हैं, कभी किसी को कोई शिकायत नहीं, पैसों में नहीं कुछ नहीं, किसी को कुछ बोलते नहीं है। तो मुझे भी पता आप लोग बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, कभी भी तुझे ड्राई फ्रूट रखे हैं, फ्रूट रखे हैं, दूध रखा है, पानी रखा है, कभी किसी चीज के लिए कमी करी कि शांति दूध मत पी, ड्राई फ्रूट मत खा, फ्रूट मत खा, कभी बोला? नहीं, हर चीज के लिए आगे रखते हैं, चल शांति ये भी ले ले, चल शांति वो भी ले ले, त्योहार होता है तो सूट दिया, सूट के साथ सगन भी दिया, पायल की शादी में भी दिया ना, तो देने लेने से तो वो बात नहीं है, ये तो पागल है कुछ भी बोल रही है। पर शांति शांति टाइम से तो आना चाहिए ना, अब घर में इतने लोग हैं, मैं थोड़ी नाश्ता बना के दूंगी सबको। शोर कर रखा है, लेट आइए, इतनी सब लोग उठे हुए हैं, भूखे हैं सारे। क्या बात है भाई? भैया ट्रैफिक थी आज, हम लेट हो गए दीदी। हम कौन कौन? हम आज लेट हो गए। हम कौन कौन? ये हम बोलती है खुद को, हम बोलती है। चलो कभी लेट आती है, हिसाब कर दे। क्या मैं फिर मैं भेज रही हूँ उसको वापस, और कोई देख लेंगे। कोई बात नहीं, तू आज खाना बना दे, मैं बना। जा शांति जा, कर सकते हैं हम दोनों। है शांति जा, इसका पैसे दे रखे ना इसको। हां पायल मैं कह तो रही हूं, मेरे को अच्छे से याद है, दूसरे चल सुन, एडवांस है ना तेरा 2000 रुपए? एडवांस है कि नहीं? चलो 2000 भी रख ले चाचा। प्लीज दीदी, नहीं सुबह थोड़ी उठती हो शांति दीदी, सबसे पहले मुझे खिलाती है पिलाती है। बड़ों के बीच में बोलने के लिए मना किया है ना, मैं हूं ना बोलने के लिए। चल शांति दीदी मत निकल। नहीं नहीं शांति चल, बहुत हो गया तेरा, चल देख मत जाइयो अब। कैमरे लगे हुए मत। तो गाइस शांति हो गई इमोशनल, शांति रोने लग गई है, अब शांति को थोड़ा मनाना पड़ेगा, जिसको थोड़ा चुप कराना पड़ेगा। प्रैंक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ऑन द स्पॉट हमने किया है। शांति का एक्सप्रेशन देख के पता लग गया होगा, पर ये लड़की जो लड़का है ना, इससे एक डायलॉग बोला, इस डायलॉग के बाद चीकू हंसने लग गया, और मुझे इतनी तेज हंसी आई ना, मैंने तो उधर ही मुंह कर लिया। पर शुक्र है चीकू ने ना मुंह ऐसे कर लिया था नीचे, शांति देख नहीं पाई। तो शांति के साथ हुआ बहुत ही बुरा प्रैंक, कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा, आगे भी ऐसे प्रैंक आपको चाहिए कि नहीं चाहिए बताना जरूर। शांति अरे मजाक कर रहे थे हम, तेरे को पता है हमें कहा कैसा, कभी भी नहीं करते ऐसा, मजाक कर रहे थे पागल। गई थी ना मुझे, अरे रुक पागल है तू, पानी दे इसे, पानी दे। चीकू तेरे चक्कर में हुआ ये सब कुछ, मैंने कुछ नहीं करा, ये था कर रहे थे पापा। मैं किसका आईडिया था? मम्मा का आईडिया था। सारे आइडिया बेटा मेरे ही होते हैं, मैं इतनी इंटेलिजेंट। तू ऐसे तू सोच भी कैसे सकती है, हम तो प्रैंक कर रहे थे, तुझे पता है हम आजकल प्रैंक शूट कर रहे हैं। जिस दिन डर गए थे मुझे लगा आप सच में बोल रहे हो, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। पागल है क्या? चल तू तो हमारे परिवार की जैसी है पागल। एक साल हो गया शांति, तो मैंने सोचा तुम निकालेंगे, तो गाइस कमेंट करिए बताना आपको कैसा लगा। जो प्रैंक था शांति आंटी जी, तू नकली एक्टर है, तू नकली एक्टर करने लग गया था। बाद मम्मा शांति आंटी को मत निकालो, आप तो उठते नहीं हो, मुझे 7 बजे आंटी खिलाती है, फिर कैसे 7 बजे उठते है कभी तू? 7:30 उठते है ये लड़का। शांति 7 बजे आती चीको जी, बोलो। हाँ जी पापा। शांति आंटी कितने बजे आती है? तो बहुत ज्यादा लेट आती है, 9 बजे आती है। क्या है ये? ओ इधर आ, इधर ओए गोलू, इधर आ, इधर आ, पकड़ने वाला था मैं, ले ले बगाया। और देख गाइस ये ना मुझसे पिटने वाले हैं बहुत ज्यादा, मैं दिमाग खराब, अगर घर में स्लाइम आ गई ना, ये अमेज़न से तुमने स्लाइम मंगाई है हैं? ओए क्या मतलब है ये? मैंने तो नहीं मंगवाई। अभी आपने देखा ना, बीच में जब हमारा वीडियो शूट होता है, बीच में कोई ऑर्डर देना आया था, तो ऑर्डर ये देने आया। देखो ये क्या है, ये ना ये स्लाइम है, मैं बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले इसका टिफिन बॉक्स मंगवाना था। हाँ। है तो फिर तू मुझे झूठ बोल रही थी ना अभी, तो शर्म नहीं आती यार, इनको शर्म नहीं आती, इसने मुझे बोला कि ना मैंने चीकू के लिए टिफिन बॉक्स मंगवाया और टिफिन बॉक्स की जगह ने स्लाइम देना। नहीं अभी है ना चीकू से आप क्वेश्चनिंग कर रहे थे ना, तो इसने खोला हुआ था शांति का, मैं पीछे से गई ऐसे रखा, मैं इसको ऐसे इशारा किया झुमके से। आज के बाद घर में स्लाइम मिल गई, फजूल खर्चा मिल गया। तो नितिन
सबसे पहले तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा। मैंने तो मंगवाया नहीं थी। समझ गया अच्छी को, तुझे निकालूंगा घर से बाहर दो दिन के लिए और शांति की छोड़ूंगा एक हफ्ते की छुट्टियां, सारा घर का काम करोगे तुम। मैंने नहीं मंगाई गुड्डू, बकवास मत कर। नहीं मैंने नहीं मंगाई, कौन मंगवाता है? गोलू ने मंगाई। मैं बताऊं कौन मंगवाता है सबसे पहले। हां बता जल्दी जल्दी बोल, सोचना पड़ेगा। खेलता तू है ना बेटा, मंगवाता कौन है तेरे लिए ये बता दे जल्दी। इसको ना बाहर निकाल दे अभी एक घंटे के लिए। चलो बाहर चल, बाहर चल, तू तेरे को बोलना बिल्कुल। अगर स्लाइम आ गई ना नितिन दोबारा घर में, तुम्हारी स्लाइम बना दो सबकी। शर्म नहीं आती ना बच्चों को बिगाड़ दो तुम। मना करी थी पापा मत खुल डब्बा, पापा मत खुल, इतना थोड़ी बता सकती हूँ मैं, इतना दिमाग तो खुद में होना चाहिए। आज के बाद मैं वचन लेती हूँ कि तू कुछ नहीं मंगाएगी, कि मैं वचन ले रही हूँ स्पीकर की कसम कि आज के बाद मैं चीकू के लिए कभी भी कोई भी टॉय बिना पापा से पूछे नहीं मंगवाऊंगी। तू पापा ये ना गलत कसम, पापा ये ना गलत कसम खा रहे हैं और भी मंगवाएंगे। हाँ मैं देखो नहीं बिगाड़ूंगी आज के बाद। घर में बहुत ज्यादा चुगलखोर हैं, झूठ बोलने वाले पैदा हो गए। सबसे पहले ये है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये आती है। तीसरे नंबर बेटा तेरा तो लास्ट का नंबर है, सारे चीज तो तेरे लिए करते हैं। नहीं, हम खेलते हैं स्लाइम से। तो नमस्ते, ध्यान रखो, सेफ रहो।